खरगोन शहर सहित देश भर में मुस्लिम समाजजनों ने शब ए बारात का त्यौहार सादगी से मनाया। मस्जिदों में विशेष साज सज्जा की गई। लोगों ने मस्जिदों के साथ ही घरों में नमाज अदा की और रात में कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमों के लिए दुआएं की। जाने अनजाने हुए गुनाह गलतियों के लिए अल्लाह से माफी मांगी गई। इस्लाम में शब ए बारात त्यौहार की काफी अहमियत है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब शाबान के महीने की 15वीं तारीख की रात में शब ए बारात मनाई जाती है। शब ए बारात इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात है। इसलिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात भर जागकर इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। दारुल कजा के मुफ्ती तारिक साहब ने बताया, शब ए बारात यानी इबादत की रात मानी जाती है। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। मगफिरत नहीं होती, चुगली करने वाले की मगफिरत नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या है, माशरे के अंदर एक बुरा मैसेज जाता है और इंसान के जो आदत और अखलाक हैं वो बुरे होते हैं। चुगली करने वाले की बात के ऊपर लोग एतमाद और भरोसा नहीं करते। ये तमाम चीज़ें इस रात को पैगाम देती है और इस रात के अंदर ये पैगाम मिलता है हम सबको कि हम इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और मैं यही बात तमाम सुनने वालों से यही कहूँगा कि इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती वक्त इबादत के अंदर गुजारें और प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ अपनी इबादतों को सर अंजाम दें और दिन का रोज़ा रखें। कल जो दिन आने वाला है उसका रोज़ा रखें और इसी तरीके से रात के अंदर अगर कोई हमसे कुछ ऐसी नागहानी हो गई हो जो नामुनासिब बात कहलाती है, अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दे। जैसे हिसाब किताब वाली रात भी कहा जाता है इस रात को। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि इस रात के अंदर बड़े अहम फैसले होते हैं। इंसान का रिज्क इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के हवाले करते हैं। कौन इस रात के अंदर वो फैसले भी होते हैं कि कौन कितना इस दुनिया के अंदर रिज्क पाएगा, इस दुनिया के अंदर कितने दिन जिएगा, उसकी मौत कब होगी, यानी कि जो भी बड़े बड़े अहकाम और बड़े बड़े जो भी फैसले होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो फरिश्तों के हवाले कर देंगे और बड़ी बरकत वाली रात है। इसलिए इस रात को अहमियत दी गई है। अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है। इसीलिए हम इस रात को शब बारात भी कहते हैं और इस रात के अंदर हम इबादत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद तारिक और खादिम में दारुल कज़ा खरगोन का हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।